मेरा हम वतनों अस्सलाम वालेकुम। आजकल तुमने पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की बीमारी नाल बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है और इतनी बड़ी तादाद में लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं और बीमार हैं। इस बीमारी का बचाव वास्ते सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वह वैक्सीनेशन है। इसको टीको तमने लवाना है तो इंसान उसके बाद अल्लाह ताला को अपनों फजल करे तो उसके बाद इस बीमारी से आदमी महफूज रह सके। इस सिलसिला में हमारे सामने बाबा जी की मिसाल है। उनकी उम्र इस वक्त 100 साल के लगभग है तो उन्होंने इस वैक्सीन जो है वो हमने पहलो वैक्सीन 6-7 मार्च ने लवायो और दूसरा डोज जो इसको है वो 17 अप्रैल ने करायो तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किसी किस्म की काय तकलीफ नहीं हुई। तो मेरा यह कहने को मकसद है कि लोगों ने वहम रहे कि पता नहीं इस वैक्सीन नाल के हो जाए या बड़ी उम्र का ना लाए तो के हो जाए तो कोई कुछ भी नहीं हो तो इंसान बिल्कुल ठीक रहे। तो मेरी तम सब ना यह अपील है कि तम इसकी वैक्सीनेशन कराओ। अल्लाह ताला इंसान ना बचावे। मौत अटल है लेकिन इस पर लोग यह दुआ करें कि खुदाया तू अगर मौत दे मगर कोरोना वायरस की मौत ना दे। यह चीज़ तम ना जहन में रखनी चाहिए और यह भी जहन में रखनी चाहिए कि जान है तो जहान है। आज अमीर अल कौम हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी को उर्स शरीफ भी है। जो हर साल 4 शवाल ना हो तो काफ़ी जगह में रजौरी पुंछ में भी 5 जगह कल खतबात की कल भी और आज भी महफल हुई हैं। उत भी यह दुआ की गई है कि खुदा हमना इस बीमारी से महफूज रखे। तो इत भी आज हमने जो और शीफ की हुआ है लेकिन नहायती एहतियात नाल और मुख्सर की हुआ है और आज इस दिन का हवाला नाल भी हम अल्लाह ताला से मांगा कि खुदा हमना महफूज रखे।